नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वेयरफिट प्रो ऐप से अपने स्मार्ट वॉच में वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको वेयरफिट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है और अपने स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपको कनेक्ट करने नहीं आता है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख के आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे होम पेज है आपका शो कर रहा है। फोटो लगाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करना है। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी आपका स्मार्ट वॉच होगा। और यहाँ पे आपको फोटो लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हॉट डील्स लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे ऑल डायल्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको वॉलपेपर चेंज करने के लिए, अपना फोटो लगाने के लिए यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे डायल खुला हुआ है। डायल में हमको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी वॉलपेपर को इजिली यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें से जो वॉलपेपर है, कुछ वॉलपेपर उसको आपको खरीद के लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए $2 के यहाँ पे आप बिक रहे हैं, तो यहाँ पे आपको खरीद के भी लगाना पड़ सकता है अगर आपको इसमें से कोई पसंद आ रहा है तो। लेकिन यहाँ पे फ्री वाले भी बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं और उसको भी आप लगा सकते हैं। कुछ वॉलपेपर यहाँ पे आपको कॉइन्स के जरिए मिलते हैं, तो कॉइन कलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रैंकिंग, न्यू स्पेस, यहाँ पे वेलफेयर डायल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉइन कलेक्ट करना पड़ता है। देखिए 50 कॉइन का है यहाँ पे, ये भी 50 कॉइन का है, 100 कॉइन, 500 कॉइन की यहाँ पे आपको डायल मिल जाते हैं। तो इसको कलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कॉइन को, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्री वाला कैसे यूज कर सकते हैं, वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 कॉइन का है, यहाँ पे रिड्यूम करने हम जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है अर्न गोल्ड बीन्स, तो यहाँ पे बीन कलेक्ट करना पड़ेगा, कॉइन कलेक्ट करना पड़ेगा, एड्स देख के उसके बाद ही आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 कॉइन जो है, 10 बीन्स हमने यहाँ पे अर्न किया है। उसके बाद 8 बीन्स के लिए यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे इस साइड खुल जाएगी, इस पे एड्स पे क्लिक करना पड़ेगा तभी यहाँ पे जो बीन है वो कलेक्ट होगा। कलेक्ट हो जाने के बाद अगर 50 बीन यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, कॉइन्स आपके कलेक्ट हो जाते हैं, तभी यहाँ पे आप इसको यूज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 10 बीन्स हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री वाले भी डायल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्री डायल्स का आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें से जो डायल्स आपको दिखेंगे वो सारे फ्री वाले हैं। तो इसमें से आप कोई सा भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से एक सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए इंस्टॉलेशन का यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 471 के भी का है, ये फ्री है, आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली हम इंस्टॉलेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे 100% डाउनलोड होगा, हमारा जो ये वॉलपेपर है हमारे स्मार्ट वॉच में शो करने लग जाएगा इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो डाउनलोड हो जाने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं। और जैसे ये 100% होगा, इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होगा, हमारा ये वॉलपेपर हमारे स्मार्ट वॉच में शो करने लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है और इस तरीके से हमारा जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे स्मार्ट वॉच में शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप भी वॉलपेपर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फ्री वाले वॉलपेपर को आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बीन्स कलेक्ट करके यहाँ पे यूज करना चाहते हैं वॉलपेपर को, तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स मिल जाती है। या फिर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, तो आप खरीद के भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वॉलपेपर आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, फ्री वाले आपको सबसे नीचे मिलते हैं तो आपको ये शो हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायल पे क्लिक किया था, अब यहाँ पे कस्टमाइज पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एल्बम डायल्स पे, ठीक है। एल्बम डायल्स पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का निशान आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपना फोटो सिलेक्ट करना है सबसे पहले।
जैसे आप प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे टेक्स्ट पिक्चर और कैमरे को यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपली आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो गैलरी है आपके फोन में खुल जाएगी, तो यहाँ से आप कोई सा भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे को लगाना है, तो सिंपली हम इस पर टैप करेंगे जो फोटो मेरे को लगाना है और फोटो हमारे सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो फोटो को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। छोटा बड़ा कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे सही पे टिक करना है। टिक करते ही फोटो यहाँ पे शो हो जाएगी, तो सिलेक्ट करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद फोटो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइम का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम का पोजिशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है जिस कलर में आप टाइम को रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं या फिर नीचे रखना चाहते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली इंस्टॉलेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं फिर से यहाँ पे परसेंटेज चलने लग जाती है, और जैसे ये 100% होगा हमारा ये फोटो हमारे स्मार्ट वॉच में शो करने लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है हमारी फोटो, और देखिए हमारे स्मार्ट वॉच में कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। तो आप भी इजीली अपना फोटो लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वेयरफिट प्रो ऐप में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके आप आसानी से पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।